स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। आप कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? नेम ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। लास्ट में टोटल लगाएंगे, टोटल इक्वल आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। अब आपको क्या करना है, ये जैसे क्वेश्चन में आइटम्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन के आइटम ऐसे ही लिख देना नेम ऑफ अकाउंट के नीचे, जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वैसे ही आपको लिख देने हैं। अब आपको क्या करना है, डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, ये देखना है। तो डेटर्स हमारी एसेट्स है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको डेबिट में लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो तो जर्नल एंट्री में जो डेबिट है वो डेबिट में, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो भी एसेट्स हैं वो हम डेबिट में डालते हैं जब हम जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जर्नल एंट्री, हमने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट्स है, ठीक है। हमने कैश हमारा, अब सपोज़ करो हमने कोई परचेजिंग करी, परचेज हमारा डेबिट होता है। और इसी तरह से हमारा सेल्स है, तो सेल्स है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा जर्नल एंट्री से आइडिया लेना है, और थोड़ा सा आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें होती क्या हैं। तो अब डेटर्स आपको पता है एसेट्स होती है, तो आपने डेबिट में डाल दिया। और ये मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, एसेट्स को आपको डेबिट में डालना है, एक्सपेंसेस को डेबिट में डालना है, इनकम को क्रेडिट में डालना है, और लाइबिलिटीज़ को भी क्रेडिट में डालना है, ठीक है। अब आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एसेट्स आपकी क्या हो गई, 12,200 आपको डेबिट साइड में आपने डाल दी। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया है कहाँ डालना है, क्रेडिट वाले कॉलम में डालना है। क्वेश्चन मेरे सामने है इसलिए मैं अमाउंट लिख रही हूँ देख के, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, आपको नहीं पता ओपनिंग स्टॉक डालना है या क्लोजिंग स्टॉक डालना है, तो मैं आपको बता देती हूँ ओपनिंग स्टॉक डालना है, क्लोजिंग नहीं डालना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। फिर आपका परचेज़ मैंने आपको बताया था डेबिट ही होता है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो आप, या परचेज़ अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते हो, यानी कि जो भी आपका, जिससे आपने ख़रीदा है, ठीक है, वो पार्टी का नाम। तो क्या होता है कि परचेज़ हमारा डेबिट ही होता है, और परचेज़ का उल्टा परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होता है। इसी तरीके से सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है। तो परचेज़ हमारा डेबिट हुआ, तो परचेज़ की अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया परचेज़ की अमाउंट। फिर परचेज़ रिटर्न मैंने आपको बताया था, परचेज़ कोल्ड परचेज रिटर्न, तो ये आपको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दो आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परचेज़ रिटर्न हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये कैश इन हैंड। कैश आपका क्या है, चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, एसेट्स होती है, तो ये भी आपकी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी 11,000 की, ठीक है। फिर आपकी मशीनरी है, ये भी आपकी एसेट्स है, ये भी आपकी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। गुडविल है, वो भी आपकी एसेट्स है, तो ये भी आपकी डेबिट साइड में चली जाएगी। फिर आपकी क्या है, सेल्स है, तो सेल्स क्या है, मैंने आपको सेल्स का क्या बताया था कि वो क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। तो सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर उसके बाद आपकी सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स का अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होगी, तो सेल्स रिटर्न आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो कितनी है आपकी सेल्स रिटर्न, 7,800, ठीक है। उसके बाद है आपका लोन फ्रॉम राम, राम से लोन लिया, भाई राम से कर्ज़ा लिया, तो यानी लाइबिलिटी हुई, हमें चुकाना भी तो है, किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें उसको चुकाना भी होता है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको चुकाएं। तो क्या है, लोन फ्रॉम राम, ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन राम लोन, अब राम के लोन पे जब हमने लोन लिया था राम से, तो ऐसे तो दिया नहीं होगा राम ने हमें लोन, राम ने हमें इसको शर्त भी रखी होगी, भाई मैं इतना ब्याज लूँगा, क्योंकि वो हमसे ब्याज क्यों लेगा, क्योंकि वो हमें अपना पैसा यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो जब उससे हमने लोन लिया, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई 20,000 की, हमें इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हमने जब उससे लोन लिया था तो अब हमें उसको ब्याज भी देना है। तो 20,000 की तो लाइबिलिटी हमारे सर पे आई, और उसके अलावा ब्याज देना वो अलग, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंस हमारा मैंने आपको बताया था डेबिट होता है, ठीक है। तो डेबिट में यहाँ लिख दो 3,000। उसके बाद है बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स मैंने आपको बताई दी कि वो डेबिट होती है, ठीक है। फिर है आपका कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है, आपको पता ही है कैपिटल क्रेडिट होती है, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट वैसे भी क्रेडिट ही होती है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ कर दो, 57,000 का कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके एक्सपेंस हो गए,
तो यहाँ पर आपको क्या है भाई, आपको प्रीमियम देना ही है, खर्चा है, तो यहाँ पर 5,000 आपके आ गए इंश्योरेंस प्रीमियम के। कैरेज, कैरेज क्या है भाई, लाना ले जाना, माल को लाने ले जाने का जो भी इसमें खर्च आता है, भाड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया कैरेज आपका खर्चा है। ठीक है, तो कैरेज आपका खर्चा है तो उसको भी आप डेबिट साइड में डाल दो भाई। जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में आएगी, जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट और सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट है, आप कोई प्रचार कर रहे हो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपका खर्चा है, पैसा जिसमें जाता है वो खर्चा ही कहलाता है। तो बिज़नेस को बढ़ाने में खर्चा कर रहे हो पैसा, तो उसके लिए क्या है, सारे खर्चे डेबिट यानी एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट आपको मिला, रिसीव मतलब मिला। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई माल वाल बेचा था, तो आपने क्या करा था, माल बेचने में आपको डिस्काउंट दिया था, लेकिन जब आपने माल ख़रीदा तो ख़रीदने में आपको डिस्काउंट मिला। तो जब डिस्काउंट मिलता है ना, तो वो हमारी इनकम होती है। वैसे भी आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो तो आप कहते हो कि हाँ मुझे ये 600 की टी शर्ट थी, ये मुझे आपको 350 रुपीज़ में मिल गई, क्योंकि इसमें जो है ना ऑफ़र चल रहा था, डिस्काउंट मिल गया मुझे। ठीक है, तो ऑफ़र चल रहा था या डिस्काउंट मिल गया, या वन प्लस वन वाला ऑफ़र था, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिस्काउंट जो होती हमारी इनकम, अब बिज़नेस के प्रस्पेक्टिव से आप देखोगे तो वो इनकम है, क्योंकि आपको जो चीज़ 600 रुपये की थी वो आपको 350 रुपये में मिल गई, यानी कि आपकी जेब से 350 रुपये गए और चीज़ आप लाए 600 रुपये की, तो आपको 250 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसी तरह से डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम हुई, क्रेडिट कॉलम में लिख दो। मैंने आपको बताया था इनकम क्रेडिट कॉलम में आती है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है भाई, आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद के डाल दो बिज़नेस के पर्पज़ से, पैसा बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आपको, आप उससे कमाते हो, फ़ायदा उठाते हो, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है और एसेट्स आपकी डेबिट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब आपका अगर इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और एसेट्स पे कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ना कि आप दोगे। जब लाइबिलिटी होती है, जैसे आपने लोन लिया, कर्ज़ा लिया, तो आप उस पर ब्याज देते हो, लेकिन जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो उस पर ब्याज लेते हो। मान लो बैंक अकाउंट है या FD है, तो उस पर आपने क्या करा, आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन्वेस्ट जब करते हो तो इंटरेस्ट आता है, वो आपकी इनकम होती है, और जब आप लोन लेते हो और उस पर इंटरेस्ट देते हो तो वो आपका खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आपकी इनकम हो गई, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, अब आपका क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगा लो यहाँ पे, दोनों साइड का टोटल। ठीक है, तो टोटल जो है ना, मैंने इसको लगा के देख लिया, तो ये 176,800 आ रहा है इधर का, और इधर का जो है 175, मतलब ये कम आ रहा है, 175,800, 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये इसलिए करवाया है कि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको ना सस्पेंस अकाउंट के नाम से डालना होता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या होता है कि जो अकाउंटेंट होता है, जब लेजर बनाता है, जर्नल एंट्री करता है, लेजर बनाता है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो पकड़ में नहीं आती है, तो फिर वो क्या करता है भाई, उसे बैलेंस शीट तो बनानी है आगे, तो वो क्या करता है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट डाल देता है। मान लो 1,000 का डिफरेंस आया भाई, इधर का टोटल आ रहा है 176,800, इधर का आ रहा है 175,800, तो यहाँ पे 1,000 का कम आ रहा है, तो हमने यह 1,000 को सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल दिया और टोटल लगा दिया 176,800, यानी कि दोनों साइड का इक्वल टोटल। ठीक है, फिर कभी फ्यूचर में अगर वो पकड़ में आ जाती है गलती, तो फिर उसको रेक्टिफाई कर देते हैं ऑपोजिट एंट्री करके। ठीक है, वो चीज़ बाद में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह, वो चीज़ बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सस्पेंस अकाउंट के नाम से मैंने ये एंट्रीज लिख कराई कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपका नहीं आ रहा, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई अमाउंट गलत डाल दी इसलिए इक्वल नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही करा है, उसके बाद वो सस्पेंस अकाउंट वाला ही क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट डालना है क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आपको सस्पेंस अकाउंट डाल के उसको इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लो कि इस तरीके से होता है कि कौन सी चीज़ें एसेट्स डेबिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में, इनकम क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में। ठीक है, ये लिखा हुआ ऐसे करके आप कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया, आप पूरा देख लेना। मैं इसीलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि आप लोग हैं ना ज़्यादा स्किप करके कट कट करके देखते हो। ठीक है, तो आप कट कट करके देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा, फुल देखोगे तभी समझ आएगा।